गडचिरोली जिल्ह्यातल्या अहेरीच्या दसरा उत्सवाला 200 वर्षाची परंपरा आहे। दसरा उत्सवानिमित्त रजवाडा मैदानात बुधवारी सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रम घेतले गेले। शस्त्रपूजनानंतर कोंबडीचे पिल्लू सोडले जाते। या धार्मिक कार्यक्रमाचे आगळेवेगळे वैशिष्ट्य आहे। अहेरीचे पहिले राजे भोजंगराव पहिले धर्मराव यांनी हा विजयादशमीचा उत्सव सुरू केला, पण या उत्सवाला विशाल असे लोकोत्तर रूप तत्कालीन राजे दुसरे धर्मराव महाराजांनी दिले। त्यांनी देशातील नागपूर, रायगड, उज्जैन, इंदोर येथील दसरा उत्सवाचे स्वरूप बघितले। अहेरी राजनगरीत हा उत्सव धूमधडाक्यात सुरू केला। तेव्हापासून पुढे राजे विश्वेश्वरराव महाराज, राजे सत्यवानराव महाराज आणि विद्यमान राजे अमरीशराव महाराज या संस्कृतीचे जतन करीत आहेत। गड अहेरी नाल्याच्या काठावरील आपट्याच्या झाडाची पूजा केली जाते। पूजेनंतर राजा झाडाची पाने तोडून सीमोल्लंघन झाल्याची ग्वाही देतो। नंतर गड अहेरीतील गढीबाई देवी समोर राजा नतमस्तक होतो। हा सर्व सोपस्कार पार पाडून राजघाटावरील समाधी समोर राजाने माथा टेकावा असा रिवाज आहे। अहेरी इस्टेट मे जो ऐतिहासिक दसरा मनाया जाता है उसमें पालखी उठाने का काम हम यहाँ के भोई समाज के बेस्ता और ओडेवार समाज के लोग पालखी उठाने का काम पिछले 200 सालों से ये परंपरा के तय करते आ रहे हैं और ये एक परंपरा के नाम पर यहाँ पे पूरे अहेरी स्टेट के लोग यहाँ जमा होते हैं और यहाँ ऐतिहासिक ऐसा दसरा मनाया जाता है। यहाँ अहेरी स्टेट के महाराजा अभी जो यहाँ के महाराजा है छठवें पीढ़ी के महाराजा है श्रीमंत राजे अमरीशराव महाराज, ये पालखी में बैठकर अहेरी के गढ़हेरी यहाँ पर सीमोल्लंघन करके यहाँ पे शमी वृक्ष का पूजा करते हैं। वो पूजा करने के बाद वहाँ शमी वृक्ष के पत्ते पहले राजा तोड़ता है और उसके बाद में प्रजा यहाँ की जो प्रजा है वो शमी वृक्ष के पत्ते तोड़कर आपस में सोने के रूप में बांटा जाता है। त्यानंतरच पालखी राजमहालात स्थिरावते। पालखी मिरवणुकीनंतर राजा महालासमोरील भव्य पटांगणावर जमलेल्या पंचक्रोशीतील जनसमुदायाला मार्गदर्शन करतो। रात्री 12 सुमारास मोठी शेकोटी पेटविली जाते। तिथे गोटूल करून प्रभागावर माडिया गोंड समाजातील तरुणी तरुण तालासुरात गाणी गाऊन नृत्य करतात। पारंपरिक दसरा आजही राजनगरीत राजाच्या आशीर्वादाने उत्साहाने साजरा होतो। पालखीला टेंभ्याचाच प्रकाश मान्य असून पालखी भोई समाजातील लोकच खांद्यावर घेतात। पारंपरिक वेशभूषेत लोक नाचगाणे नजराने गोटूल करतात। पूर्वी दसरा 10 दिवसांचा असायचा। 10 दिवस लोक मुक्काम ठोकायचे, स्वतः शिधापाणी शिजवून उत्सवात सहभागी व्हायचे। आज जीवन गतिमान झाले, एका दिवसात जाणे येणे शक्य झाल्याने हा फरक पडला। पूर्वी राजाला नजराणा म्हणून 1 रुपया 2 रुपये दिले जात। सर्व नजराणा एकत्र करून राजाचा स्पर्श झाला की खजिन्यात जमा होत असे। याचा उपयोग रस्ते बांधणी, शिक्षण, आरोग्य यासाठी खर्च होत असे। मात्र आज ही प्रथा बंद झाली। दसरा आज अपने भारत देश में 2-4 जगह लोगों के साथ मिलकर दसरा मनाया जाता है, उसमें से एक जगह अहेरी है और ये परंपरा 200 सालों से चला आ रहा है, ये अभी का नहीं है। और 200 सालों से जिस तरीके से चला आ रहा है उसी तरीके से आज भी मनाया जा रहा है और इसमें पूरे सभी जनता पूरे क्षेत्र से आती है और इसमें सहभाग होती है, इसमें बहुत बड़ा बात है। और उसमें सभी रहते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित समाज, आदिवासी समाज, सभी लोग रहते हैं। तो ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि सभी मिलकर ये दसरा मनाते हैं और ऐसा दसरा आपको और कहीं नहीं देखने को मिलेगा। अहेरीत दसरा महोत्सवाची सुरुवात नवरात्रीच्या प्रारंभीच घटस्थापना झाल्यापासून अश्विन शुद्ध दशमीपर्यंत विद्यमान राजे सकाळ संध्याकाळ मनोभावे घटाची पूजा करतात। या काळात महाल परिसरात मोठा नगारा वाजत असतो। नगाराला नवीन चांबळे चढविण्याची प्रथा आजपर्यंत कायम आहे। राजे पारंपरिक पोशाखात पालखीतून मिरवीत आलापल्ली मार्गावरील मामा तलावाचे दर्शन घेतात। तेथे शस्त्रपूजेनंतर परंपरा म्हणून एखादे कोंबडीचे लहानसे पिल्लू सोडले जाते। तलावाच्या पाण्यात पोहणाऱ्या पिलावर राजा बंदुकीतून नेम साधतो। पूर्वी या भागात मोठ्या प्रमाणात हिंस्र पशु होते। सामान्यांचे राजा हिंस्र पशूंचा नाश करून रक्षण करायचा,
अन्यायाच्या निर्दालनासाठी शस्त्र हाती घ्यायचा, हीच कल्पना तीच धारणा या कोंबडीच्या पिलावर निशाणा साधण्यामागे आहे. गडचिरोली येथून व्यंकटेश यांची विशेष रिपोर्ट BCN न्यूजसाठी.